हो तुम्हें? तुम क्या मुझे सभी बातें बताते हो? जिमिन, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने तुमसे क्या छुपाया? मैंने तुम्हारी अत्ते की बात सुन ली है। तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई सुगा? जिमिन, रो मत। मेरी बेबी को कुछ होगा तो नहीं ना? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगी। जिमिन, रिलैक्स, उसे कुछ नहीं होगा। तुमने तो सुना, तेने क्या कहा? जिमिन, हमारी बेबी ठीक है। चुप हो जाओ, रो मत। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा था। मैं जानता था तुम टेंशन करोगे। अगर तुम ऐसे ही टेंशन करते रहोगे तो इसका असर बेबी पे पड़ेगा। जिमिन, तुम खुश रहोगे तो हमारा बेबी भी खुश रहेगा। सॉरी सुगा, जिमिन को क्या हुआ है? तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? बेबी ठीक तो है ना? मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे टेंशन हो रही है। तुम दोनों कुछ बताओगे मुझे? भाभी रिलैक्स, मैं आपको बताता हूँ। सुगा जिन को सब बताता है। भाभी आप क्यों रो रहे हो? हाँ जिनू, तुम क्यों रो रहे हो? तुम रोओगे तो जिमिन टूट जाएगी। जिन जिमिन को हक कर लेती है, कुछ नहीं होगा। ते, तुम ऐसे दौड़ के क्यों चली आई? मुझे शर्म आ रही थी। ते, इसमें शर्माने की क्या बात है? ये तो खुशी की खबर है। हाँ मैं जानती हूँ बनी, फिर भी मुझे शर्म आ रही थी। तुम एक नंबर के पागल हो। हाँ, तुम कैसे छुपा सकते हो? ये एक ना एक दिन सबको पता चल जाएगा। हाँ मैं जानती हूँ, जब तुम्हारे दीदू को पता चलेगा तुम प्रेग्नेंट हो, वो कितना खुश होगी तुम जानते हो? हाँ मैं जानती हूँ। क्या ते तो प्रेग्नेंट है? नो 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 नो। लिसा, सॉरी मैं बिना नॉक के अंदर आ गई, मुझे लगा तू अकेली है। इट्स ओके लिसा, आई एम सो हैप्पी, तू प्रेग्नेंट है। मैं जाके मामा को बताती हूँ। लिसा चली जाती है। लो अब पूरे हॉस्पिटल को पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम हंस रहे हो? कांग्रेचुलेशन डॉक्टर तेहंग। थैंक यू, हम बहुत खुश है, अब एक छोटा डॉक्टर आने वाले है। तेहंग प्रेग्नेंट है? ये बात सुनकर काई को बहुत गुस्सा आता है। इतने कम मत करो। क्यों बनी? ते, तुम अब प्रेग्नेंट हो, मैं नहीं चाहता हूँ। तुम अब इस हालत में इतना काम करो, इतना टेंशन लो। मिस्टर हस्बैंड, आपको आपके बीबी और बच्चे को लेकर बहुत फिक्र हो रहा है? हाँ हो रहा है। डोंट वरी मिस्टर हस्बैंड, आपकी बीबी को पता है उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है मेरा बीबी कितना समझदार है। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, अब घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। एक साथ चलते हैं ना बनी? नहीं ते, तुम घर चले जाओ, मुझे आने में लेट हो जाएगा, मुझे बहुत काम है। ओके मैं चलती हूँ। हाँ संभाल के जाना। ते चली जाती है। जिमिन ये तो सो गई, चलो अब मैं भी सो जाता हूँ, बहुत रात हो गई है। जिनू तुम यहाँ बैठे क्यों हो? चलो सो जाओ। तुम सो जाओ अरेम, ते और जंकू कभी तक घर नहीं आए। जिनू वो दोनों शायद आज नाइट करेंगे। जिनू क्या हुआ? अरेम मेरा मन बेचैन हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है। जिनू तुम ज्यादा ही सोचते हो, चलो अब सो जाओ। दोनों सो जाते हैं। तुम उठ गए? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। सुगा क्या हुआ, तुम ऑफिस नहीं जाओगे? नहीं जिमिन, जब तक बेबी नहीं आ जाती तब तक मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, मैं सारा काम घर में बैठकर करूँगा। क्या हुआ मोची, तुम इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? तुम क्या फिर से वही बात सोच रहे हो? नहीं सुगा। तो पता नहीं है सुगा मैं अपसेट क्यों हूँ, बस मुझे अच्छा फील नहीं हो रही है। हाँ ये कौन सी बात हुई? शायद उसे मूड स्विंग की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है तुम बुक पढ़ो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं आता हूँ। सुगा चला जाता है। ते ठीक तो है ना? मैं जाके उसे एक बार देख कर आती हूँ। जिमिन ते के रूम में जाती है। ते तो रूम में नहीं है, शायद वो बाहर होगी, मैं जाकर देखती हूँ।
नहीं, मैं जाकर देख कर आती हूँ। जंकू तुम अभी घर आ रहे हो? हाँ भाभी, बहुत काम था, मुझे एक कप कॉफी दोगे प्लीज? हाँ मैं अभी लाती हूँ। जीन चली जाती है। सुगा तुम किचन में क्या कर रहे हो? जिमिन के लिए कुछ बना रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अंकल। तुम अभी आ रहे हो डॉक्टर जंकू? हाँ डॉक्टर जेनी। बेटा तुम उसे डॉक्टर जेनी क्यों बुलाते हो? वो अब तुम्हारी आंटी है। सॉरी अंकल, थोड़ा वक्त लगेगा। तुम इतने आने में लेट क्यों किए? टेका काम भी मुझे करना पड़ा, इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। जंकू ये लो कॉफी। थैंक यू भाभी। जंकू तुम अकेले आए हो? टेका है। टेका घर पे ही है भाभी। जिमिन तुम यहाँ? जिमिन तुम यहाँ क्यों आई? तुम बेड से क्यों उतरी? सुगा मैं ठीक हूँ। वो मुझे ते के लिए चिंता हो रही थी, इसलिए मैं उसे देखने के लिए उसके रूम में गई थी, लेकिन वो रूम में नहीं है। एक मिनट, आपने क्या कहा? वो रूम में नहीं है। हाँ वो रूम में नहीं है। वो तो सुबह इतनी जल्दी नहीं उठती है। भाभी आपने वॉशरूम देखा? हाँ देखा। जंकू तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर गार्डन में जा रहा हूँ। शायद वो गार्डन में होगी। रुको जंकू, वो गार्डन में नहीं है, मैं देख कर आई हूँ। वो घर पे नहीं है। भाभी मैंने उसे कल शाम को ही घर भेज दिया था, पर वो तो घर नहीं है। जंकू मैं तुम दोनों के लिए आधी रात तक जगा था। जंकू बहुत परेशान हो जाता है। भाई क्या बात है? दी मुझे बहुत डर लग रहा है। जिमिन तू शांत हो जा। जंकू क्या हुआ? जंकू टेका फोन करता है, उसका फोन स्विच ऑफ है। वो कहाँ गई? उसका फोन क्यों स्विच ऑफ है? जंकू को बहुत टेंशन होता है, जंकू घर से बाहर निकल लेता है। जंकू तू कहाँ जा रहा है? अरे मुझे अब बहुत डर लग रहा है। मेरी तबीयत ठीक तो है ना? जीनू तुम टेंशन मत करो, जंकू उसे देखने गया है, वो मिल जाएगी। जिमिन तुम रो मत, सुगा मेरी बहन का है, वो ठीक तो है ना? हाँ जिमिन वो ठीक है, तुम टेंशन मत करो। मेरी बच्ची कहाँ गई? वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती है। हबी रिलैक्स। अरे मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जिमिन बेहोश हो जाते हैं। जिमिन 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 आंखें खोलो, जिमिन आंखें खोल। सुगा तो जिमिन को लेकर रूम में जा। सुगा जिमिन को लेकर रूम में चला जाता है। जंकू क्या हुआ? भैया ते कहीं नहीं है, मैंने सभी जगह देख लिया है, वो मुझे कहीं नहीं मिला। जंकू तुम कहना कैसे थे? वो तुम्हें कहीं नहीं मिला का मतलब क्या है? जिन तुम शांत हो जाओ। बेटा ते तुम्हें बता कर नहीं गई है? नहीं अंकल, मैंने उसे घर आने के लिए कहा था। तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? जंकू तुम उसके साथ क्यों नहीं आए? जंकू तुम दोनों तो एक ही साथ आ सकते थे, तुमने उसे पहले क्यों भेजा? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो इस हालत में ज्यादा काम करे, कोई भी पेशेंट ले, इसलिए मैंने उसे घर भेज दिया था। जंकू इस हालत में मतलब? देखो क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना? हाँ भाभी वो ठीक है। जीन ते प्रेग्नेंट है। हाँ वो प्रेग्नेंट है, मेरी तेते प्रेग्नेंट है। जंकू ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भाभी मैं बोलने गया था, लेकिन ते की वजह से बोल नहीं पाया। तुम ऐसे लापरवाह कैसे हो सकते हो? जंकू तुमने उसे अकेले क्यों छोड़ा? जिन तुम शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो जाऊँ? मेरी बहन नहीं मिल रही है, इस हालत में वो कहाँ है, क्या कर रहे है, कुछ नहीं पता है। जिन वो छोटी बच्ची नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकती है, वो मेरे पास अभी भी छोटी है। अरे जंकू तुमने फिर से उसे हर्ट तो नहीं किया ना? नहीं भाभी। जिनू तुम्हें क्या बोल रहे हो? ते तुम कहो प्लीज लौटाओ, मैंने क्या गलती की है? ते तुम मुझे ऐसे क्यों सजा दे रहे हो? तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किए थे तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। प्लीज ते प्लीज लौटाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। जंकू बेटा शांत हो जाओ। अंकल मैं ते के बिना मर जाऊंगा, फिर से वो मुझे छोड़कर चली गई। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। ते कहाँ जा सकती है? अरे प्लीज मेरी तेते को ढूंढ कर लाओ। ते किडनैप तो नहीं हुई? क्या किडनैप? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सोचा क्यों नहीं। काई अगर मेरी बीवी बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तेरा ऐसा हल करूँगा कि सब तुझे देखकर डर जाएंगे। कोई ऐसा काम करने से पहले हजार बार सोचेगा। एक काई कौन है? मैं बताता हूँ बेटा। जी अब सब बताता है। तो एक काई वो लड़का है जो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करना